इस वक्त नेहा को आप सब भाइयों की हमदर्दी की जरूरत है। आप प्लीज थोड़ा वक्त नेहा के पास भी बैठ जाया करें। शाजिया, नेहा इस वक्त मेरा मसला नहीं। I'm more concerned about अम्मी अब्बू। फयाज, लेकिन आपको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सेटल करें? हैरत होती है मुझे कि हमारे माँ बाप जिस बहू को बेटी बना के इस घर में लाए थे, आज अपने बेटे की दूसरी शादी करा रहे। शाजिया, अम्मी अब्बू कहाँ है? कमरे में दिखाई नहीं दे रहे मुझे। स्टडी में बैठे हुए होंगे। फैसल भाई से मीटिंग जो चल रही होगी कि भाई उनके ससुराल वालों की बात मानी जाए या नहीं मानी जाए। कौन सी बात? मरियम साहबा ने फरमाइश की है कि वो फैसल भाई से इसी सूरत शादी करेंगी कि अगर वो जारा भाभी को तलाक दे देंगे खुदा ना खास्ता। जवाब नहीं देती, फेसबुक पे रिप्लाई नहीं करती, फोन भी बंद है। पता नहीं किस हाल में होगी मीना बेचारी। नहीं नहीं, आपको फिक्र नहीं होगी तो फिर किसको फिक्र होगी? आपकी एक्स फियांसे जो ठहरी। वैसे तुम्हारा चेहरा इस वक्त लाल टमाटर क्यों हो गया? मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं मीना का नाम लेता हूँ तुम्हें मिर्चें लग जाती हैं। आंखों से अंगारे और कानों से धुआं निकलने लगता है तुम्हारे। कोई भी कमजोर दिल का इंसान तुम्हें देख ले तो आई एम श्योर हार्ट अटैक हो जाएगा तुम इस हालत में देख ले। जी नहीं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपकी खुशफहमी है। और वो आ गई तो? हाँ हाँ, तो ठीक है ना, आप भी दूसरी शादी कर लीजिएगा और उसको कहिएगा कि वो अपने पहले शौहर को छोड़ दे। जैसे आयाज, यू नो सीरियसली, ये मीना ना आपके लिए ठीक थी। सारी रात आपको एक टांग पे खड़ा रखती है ना, फिर आपको होश आ। शाजिया, कम सच है, क्या कहती हो? आइसक्रीम खाने चलते। अपनी मीना के साथ चले जाएगा अगर वो आ गई तो। ऐसा नॉट अ बैड आइडिया। तुम किचन संभालना और मैं और मीना कराची एक्सप्लोर करें। उसको आने तो दे, मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। बहुत बुरी इंसान हूँ मैं आयास, अगर उसने मेरे होते हुए आपसे बात की ना तो बहुत बुरा करूंगी मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, I love you too। सारी बातों में एक बात, मैं जारा को कभी तलाक नहीं दूंगा किसी भी हालत में। फैसल भाई, दूसरी शादी और तलाक में कोई फर्क नहीं। जिस तरह सबके सर के ऊपर दूसरी शादी का भूत सवार है ना, आप फौरन मान जाएंगे। तुम चुप करो, सबसे छोटी और सबसे ज्यादा जबान तुम्हारी चलती है। आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि सबसे छोटी हूँ लेकिन सबसे ज्यादा सच मैं ही बोलती हूँ? फैसल भाई, शाजिया अब्बू के पास माफी मांगने नहीं जाएगी, और मिसेज नियाजी का फोन अगर मेरे पास आया होता ना तो ऐसी सुनाता के दिमाग ठीक हो जाता।
तुम सबने और जाहिलों में कोई फर्क नहीं। जैसी कोई बात बुरी लगती है अपना खानदान भूल जाते हो, तालीम और तरबियत भूल जाते हो। वाह, क्या तालीम और तरबियत है हमारे घर की। अगर औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो हमार, अब्बू को एहसास है कि तुम लोग जारा की मोहब्बत में ये सब कर रहे हो। मेरे ख्याल में तुम लोगों को उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, इस तरह उनका मान रह जाए। ठीक है, आप दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दीजिए, वरना हमारा ये इत्तेजाज जारी रहेगा। तो फिर जाओ, जाओ और जाकर प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल करो, धरना दो, आजकल वैसे भी फैशन है इन चीजों का। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नेहा, 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 अरे फरी शमशा घर पर टिकती कब हैं? जब वो घर से जाती हैं सेल ऑफ कर देती हैं ताकि मैं उन्हें परेशान न करूं। अच्छा तुम ऐसा करो, अपनी सीटें करवा लो। मैं चाहता हूं कि शादी की तारीख वही हो जो मैंने नियाजी से तय की थी। हाँ अच्छा अच्छा सुनो, मैं बात सुनो, आप टीना को जारा की मौजूदगी पर कोई एतराज तो नहीं होगा? मैं चाहता हूं कि फैसल जारा को तलाक न दे, समझती हो ना तुम? देख लिया, शादी की तारीख वही तय हुई है जो फैसल और मरियम की शादी की तारीख थी। और ये तुम लोगों को जरूरत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अबू नेहा को लेने मैं जाऊं? नहीं, तुम जाओगे, अपनी ताकत का मुजाहरा करोगे, मसल वसल दिखाओगे, बात भी गल जाएगी। अबू लेकिन नेहा का इस तरह चले जाना उसकी सलामती के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं तो अदनान को पैसा देने के लिए तैयार हो गया हूँ, फिर वो जायदाद क्यों मांग रहा है? अब वो अब साफ इनकार कर दे। इनकार कर दो, वो मेरी बेटी है, मैं खुद जा सकता। अबू आप जानते नहीं उस बदतमीज अदनान का रवैया क्या है? जानता हूं, देख लिया है मैंने, एक एक का रवैया देख लिया है, सबको देख लिया मैंने। अबू मेरा ख्याल है कि हमें सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। सब्र कहा था, इंतजार कहा था, नेहा की मौत की खबर आने तक? अबू बात तो सुने। अबू कह रहा था जी हमाद भाई आप हॉस्पिटल पहुंच गए? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बस मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, ठीक है। अयाज, अबू नेहा को लेने अकेले चले गए। क्या मतलब तुम्हारा? फैसल भाई ने जाना था, अबू क्यों गए? अबू ने सबको मना कर दिया था कि वो सिर्फ अकेले जाएंगे, और फैसल भाई को तो अबू ने सख्ती से मना किया था। अरे यार अबू को नहीं जाना चाहिए था,
अदनान अगर उनसे बदतमीजी करेगा तो? इसीलिए तो मैं भी अबू को मना कर रही थी, मगर वो सुनते थोड़ी है किसी की। अयास आप प्लीज अबू के पास जाइए, खाना खासा बात बढ़ गई तो। शाजिया मैं नहीं जा सकता, अबू मुझे देखेंगे तो मजीद नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे। अयास कुछ भी हो लेकिन आपको जाना चाहिए, अदनान बहुत बदतमीज इंसान है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट दो, चाय पी लूं, फ्रेश होकर जाता हूँ, मुझे उसके बाद मीटिंग में भी जाना है। ठीक है, रिलैक्स बैठ जाओ। अशरफ दरवाजा खोलो। बेटा अब्बा जी मुझे आ गई तू, कहा था ना जा, चोट खा के आ गई, वो भी इस दुश्मन के साथ। अब्बा जी को दुश्मन मत कर। अरे ये तेरा बाप कैसे हो सकता है, ये तेरा बाप नहीं हो सकता, ये तो बहुत पलीज शख्स है। अरे ये इस मुकद्दस रिश्ते का रखवाला नहीं हो सकता। ओए अंसारी, लीद तो तेरी ज़हनियत है कि तू मुझे दुश्मन समझ रहा है, और मेरी ती को मुझे प्यो कहने से रोक रहा है तू। अरे ये तेरी बेटी कैसे हो सकती है, तू तो इतना कमीना शख्स है, बेटियों के सौदे करता है। सौदा कर दिया इसका तूने? अरे मैं थूकता नहीं हूँ तेरी तहलीज पर, तू समझता क्या अपने आपको? अब मैं तो अपनी धी को लेके आया हूं, उधर रस्ते में कली खड़ी हुई थी, अपनी तकदीर के तके खा रही थी, और फिर निकाल दिया अदनान ने इसको घर से बाहर। तेरी वजह से उसने घर से निकाला है, तेरे उस बेवकूफ बेटे अहमद की वजह से, तेरी उस पागल बहू सभा की वजह से। अरे कमीनो, तबाह कर दिया, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अदनान का पैसा खा गया तू, बर्बाद कर दिया मेरी बेटी को। अरे कमीना तो तू हो गया है, और पागल हो गया तू, ऐसा कर रहा है मेरे ऊपर? अब्बा जी, अब्बू खुदा के लिए बस करें आप लोग, ऐसे तो मत करें ना। अरे ये तेरा बाप कैसे हो सकता है, तू नहीं जानती इसको, मैं जानता हूँ मैं कितना खलीज कमीना घटिया शख्स है। ये बहू है, सौदा कर बेटियों का सौदा करता है, लानत है, मैं तेरी शक्ल नहीं देख रही, निकल जा तू, लानत में तू आया क्यों यहाँ कमीना? शर्म नहीं आती उसे, बेहुदा ढीठ हो गया है, ढीठ कैसा आ गया है जलील आदमी, बिल्कुल भी शर्म नहीं, कोई हया नहीं है उसमें। क्या हो गया तू? मैंने आपको मना भी किया था कि अदनान के घर नहीं जाइएगा, देखा क्या मिला वहाँ पे शर्मिंदगी के सिवा। अरे अदनान के घर का वो कौन होता है मुझे जिल्लत देने वाला, अदनान की गर्दन ना उतार दूं मैं तब से, मैं उसके घर नहीं गया था। आप उसके घर नहीं गए तो फिर ये नाराजगी कैसी है? अरे नाराजगी क्या है, आग है आग, नाराजगी नहीं है, और इस आग में मैं अकेला नहीं जलूंगा, देख लेना वो भी चलेगा, वो बाहर आया हुआ बेटियों का कातिल। अच्छा अब अपने आप को संभाले प्लीज, बैठे बैठे प्लीज, अबू रिलैक्स, मैं आपके लिए पानी। अरे रिलैक्स की बात नहीं है, अबू एक वो शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कमबख्त को, किस तरह अबू छोड़े प्लीज, आपकी तरह बाहर आया हुआ है वो मेरी इज्जत का कातिल सौदागर बेटी। पानी पी पानी पी। अबू क्या हो गया, मेरी बात सुने अबू, मेरी बात सुने तहमीन से, हमारे आपस में रिश्ते हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए, और आप उन रिश्तों की बुनियाद है, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर कौन संभालेगा इन रिश्तों को, कैसे चलेगा सब कुछ? आपने हमेशा सिखाया है हमें कि मिल के रहो साथ रहो, प्लीज अबू ऐसा ना करें, गुस्सा मत करें प्लीज, गुस्सा मत करें, गुस्सा नहीं करें, रिलैक्स हो जाए प्लीज, ये हमारी बहन है, हमें संभालना है। ख्याल से
फैसल भाई। अब्बा जी क्या हुआ, बैठिए। फैसल भाई अब्बा जी की तबीयत खराब हो रही है, मैं पानी लेके आती हूँ। अब क्यों लेके आया हूँ मुझे इधर, मर जाने देते मुझे तो बाहर। मैं मुझे इस घर में क्यों लेके आया हूँ। अब्बा जी हुआ क्या है? रहने दे पुत्र। अब्बा जी मुझे जहर ला दो कहीं से। क्या हो गया, कोई मुझे बताए तो सही क्या हुआ है। मैं आस लेके अदनान के पास गई थी, अदनान ने मुझे फिर से घर से बाहर निकाल दिया। अब्बा जी सारा को मिलने जा रहे थे, सड़क पे मुझे देखा, मुझे घर ले आए। फैसल भाई अब्बू ने बहुत बेइज्जत किया अब्बा जी को। मेरी कोई इज्जत होगी तो कोई मुझे बेइज्जत करेगा? और वो बड़ा पढ़ा लिखा मौजूद आदमी है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मैं तो बेटी हुए सौदे करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बू ने गलती से कह दिया होगा, गुस्से में कह दिया होगा, आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। मैं उनसे बात करके आता। फैसल भाई, फैसल भाई। अब्बा जी अब नहीं पीना, मैंने पानी पुनी, मुझे जाने दे यार। अब्बा जी बैठे बैठे नहीं बैठे, जब तक आपकी तबीयत नहीं संभल जाती आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। हम्माद, अब्बू कहाँ है? क्या हुआ फैसल भाई, सब खैरियत तो है ना? यार वो चौधरी अंकल आए हैं, उनका अब्बू से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया। अब्बू ने उनसे कुछ तलखलामी भी की है, पता नहीं क्या कहा है उनको। एक इंसान आप पे एहसान करता है, उसके साथ आप ये सुलूक करते हैं? आज मैं अब्बू से बात करके ही छोड़ूंगा। फैसल भाई आप रुके हैं, इस कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं बात करता हूँ उनसे। जाके बात करो उनसे यार, समझाओ उन्हें। मैं बात करता हूँ, जस्ट रिलैक्स। कितना बेशरम है, लेट बैठा हुआ है गया, अभी में ठंडा पानी पी रहा है, खिदमत करवा रहा है। और इसको बता पुत्र, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैंने मजीद बर्दाश्त नहीं करना। क्या हो गया अंकल आपको? अबू बस कर दीजिए, तो बड़े हो गए हैं, अब इस उम्र में लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। अपनी बहन की तरफ देखो, क्या जिंदगी बना दी इसने मेरी बेटी की, और दूसरी को फ्रॉड पे लगा दिया, कारोबार करती फिर रही। इसको बता पुत्र, जब मैं इसकी पीठ पे पल रहा था उस वक्त तो शर्म को नहीं आई, अब जब मैं अपने दुश्मन से अपना हक छीन रहा हूं तो इसे बड़ी शर्म आ रही। खुदा के लिए आप दोनों चुप हो जाइए। अब्बू आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अदनान से शादी मैंने अपनी पसंद से की थी, दादी और अब्बा जी को बेवकूफ बनाकर। सोन क्या कह रही है? नेहा तू चुप रहे। क्यों चुप कर जाओ, आप मुसलसल अब्बा जी को जलील किए जा रहे हैं। बेटी का कसूर तो आपने माफ कर दिया, लेकिन बेकसूर का कसूर आपसे माफ नहीं किया जा रहा। क्या हो गया आप लोगों को, क्यों दोहरा रहे हैं आप पुरानी बातों को? छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए ये झगड़ा। दिमाग खराब हो गया इसका, बुढ़ापे ने बहुत असर दिखा दिया इसके ऊपर, बुढ़ा हो गया है। मुझ पर बुढ़ापे ने असर नहीं दिखाया है, इंतकाम ले रहा हूं, इंतकाम, मेरा बेटा इंतकाम ले रहा है, तेरी बेटी पर सौकन ला रहा है, सौकन। अजारा मेरी धी नहीं, तेरी धी है, अपनी धी के ऊपर सौकन ला रहा है तू। मेरी धी है तो नेहा और सभा है, ना जारा मेरी धी है ना सारा। देखी इसकी मक्का, देखी
हेलो जी। अच्छा कब? मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ओके है ना अबू, फॉर गॉड सेक छोड़ दीजिए ये झगड़े, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? सारा की तबीयत इतनी खराब है, वो हॉस्पिटल में है, आए चलते हैं उधर। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे पुत्र सारा कसूरवार है इस बाप की, ये नहीं जाएगा तो मुझे जाएगा क्या करना है? ओए वो जिस दिन से ये कार छोड़ के गई है मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे समझ इस बात की नहीं आती जब आप दोनों में इतना प्यार है फिर आप लोग ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर देते? औलाद की ख्वाहिश उसे दिन रात तड़पाती रहती है। मैं नहीं चाहता कि अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर होकर वो कोई और ऐसा वैसा कदम उठा ले। तू फिक्र न करना यार। मैंने क्या फिक्र करनी है यार अंसारी? ठीक है मुझे दुख तो होगा लेकिन फैसल शौहर है उसका, उसे हक है।